Gardening is the art that uses flowers and plants as paint and the soil and sky as canvas. Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ गार्डनिंग DIY में। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए हमें ऐसे कार्डबोर्ड चाहिए जो इन जनरली हमारे घर में होते ही हैं। मैंने शायद Amazon से कुछ मंगवाया था तो तब ये मुझे मिल गया था। मैंने इसे जैसे रख लिया था, फिर इसे मैंने इस तरीके से शेप में कट कर लिया और फिर इसके ऊपर होममेड क्ले मुझे लगाना था। ये होममेड क्ले मैं घर में ही बनाती हूँ, आप कोई भी क्ले यूज कर सकते हैं। और इसे अच्छे से रोटी की तरह बेल के हमें हाथी का जो प्रिंट है उसको चिपका देना है। जब वो सूख गया था तब उसके ऊपर मैंने जैसो का एक कोट लगा दिया था और फिर एक्रेलिक कलर से इस तरीके से कलर कर लिया था। आपके टेस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे डेकोर करते हैं। मैंने इसको सूखने के बाद इसके ऊपर मंडाला आर्ट किया था और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा था। अब जो इतना मेहनत करके हम लोगों ने ये कलर किया है तो अब इस कलर को हमें सील भी करना था। तो सील करने के लिए मैंने यूज किया था डेकोर वार्निश, इससे मेरा कलर अच्छे से सील हो गया था। एंड वल्ला मेरा ये गार्डन DIY या फिर डेकोर पीस हो गया था रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत और वाइब्रेंट लग रहा है। मेरा जो ये गार्डन का कॉर्नर है इस मतलब हाथी की ही वजह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने कुछ और कटआउट के थ्रू कुछ बनाया था, जैसे कि ये एक हार्ट शेप, इसे मैंने बना के एक वुडन स्टिक के साथ स्टिक कर दिया था और फिर जेट प्लान में लगा दिया था। आप देख सकते हैं पानी लगने के बावजूद भी यहाँ से कलर नहीं निकल रहा है। इसे भी सेम तरीके से बनाएंगे, कार्डबोर्ड में इसका एक हार्ट शेप का कटआउट निकाल लेंगे, फिर उस हार्ट शेप के कटआउट को हम लोग यूज किए करेंगे इस तरीके के क्ले से। ये देखिए इसे अच्छे से चिपकाने के बाद सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम लोग जैसो का कोट लगाने के बाद एक्रेलिक कलर लगाएंगे और जब एक्रेलिक कलर सूख जाएगा तो इस तरीके से डेकोर वार्निश हमें इसके ऊपर लगाना है। एंड टडा, मेरा हो गया ये सेकंड DIY गार्डन डेकोर पीस रेडी। बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने कुछ और भी डेकोर पीसेस बनाया है, तो आप ऐसे ही कटआउट के थ्रू होममेड क्ले के जरिए आप खूबसूरत से ऐसे पीसेस बना सकते हैं जो आपके गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देगा। जैसे कि मैंने ये एक बटरफ्लाई बनाया है, ये देखिए बहुत ही प्रिटी लग रहा है कॉर्नर मेरा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में इसी तरीके की DIY कोई गार्डन डेकोर पीसेस के जरिए फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग इस तरीके से घर में जो भी रिसाइकल रियूज होने वाली चीजें हैं उससे बनाई ये चीजें मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जरूर शेयर करूंगी और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।